धूप में ना निकला करो रूप की रानी, ये गाना तो आपने खूब सुना होगा। इस गाने में अमिताभ बच्चन के साथ रोमांस करने वाली हीरोइन थी माधवी। 80 के दशक में माधवी काफी पॉपुलर थी, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड में कई अनजान चेहरे अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं और उनकी आंखों में होते हैं हजारों सपने, मगर हर किसी को बॉलीवुड में सफलता मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है। हालांकि कुछ स्टार्स ऐसे जरूर होते हैं जिनको सफलता तो मिलती है, लेकिन वक्त के साथ ये कहीं गायब हो जाते हैं। इन्हीं में से एक थी एक्ट्रेस माधवी। 80 के दशक में बॉलीवुड में माधवी ने अपनी एंट्री मारी थी। सिंपल सी दिखने वाली माधवी ने अपनी एक्टिंग से हर किसी को दीवाना बना दिया। माधवी ने अपने वक्त पर हर बड़े स्टार के साथ काम किया था। माधवी की गिनती उन अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत साउथ की फिल्मों से की थी। दोस्तों, आज हम आपको एक्ट्रेस माधवी के बारे में बताने जा रहे हैं, कैसी दिखती है और आज कहाँ है। साथ ही साथ हम आज आपको उनकी फैमिली से भी रूबरू कराने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। साउथ के साथ हिंदी सिनेमा की स्टार भी रही माधवी। माधवी का जन्म 14 सितंबर 1962 को हुआ था। वो 58 साल की हो चुकी है। माधवी की गिनती उन एक्ट्रेस में की जाती है जिन्होंने साउथ की फिल्मों से अपने एक्टिंग करियर शुरू किया और बाद में बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। माधवी ने मुझे शक्ति दो, मिसाल, लोहा, सत्यमेव जयते, प्यार का मंदिर, स्वर्ग, जख्म सहित कई फिल्मों में काम किया। वे 1994 में आई फिल्म खुदाई में आखिरी बार दिखी थी। माधवी ने पढ़ाई के साथ ही भरतनाट्यम की भी शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने 1976 में फिल्म थुरुपु पद्मारा से अपना अभिनय सफर शुरू किया था। यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद उन्होंने साउथ की कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1981 में बॉलीवुड में फिल्म एक दूजे के लिए से कदम रखा। इसके बाद उन्होंने अंधा कानून, मुझे शक्ति दो, कैदी, अग्निपथ, मिसाल, गिरफ्तार, ज्वाला, लोहा, सत्यमेव जयते, प्यार का मंदिर, मर मिटेंगे, स्वर्ग, जख्म, हार जीत, नफरत की आंधी सहित कई फिल्मों में काम किया। माधवी ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, विनोद मेहरा, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, कमल हसन और रजनीकांत के साथ काम किया है। माधवी ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा सुपरहिट फिल्म एक दूजे के लिए में भी माधवी साइड रोल में नजर आई। इसके अलावा माधवी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म अंधा कानून और अग्निपथ में भी काम किया था। गुरु की मानी बात। 1996 में माधवी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामा ने उनकी शादी अपने शिष्य रेल्फ शर्मा से तय की थी। स्वामी रामा ने दोनों को मिलवाया था। माधवी ने गुरु की बात मानते हुए कुछ मुलाकातों के बाद फरवरी 1996 में रेल्फ से शादी की थी। माधवी वर्तमान में अपनी फैमिली के साथ न्यू जर्सी, यूएसए में रहती है। उनकी तीन बेटियां टिफनी, प्रिसिल्ला और एवलिन शर्मा है। कई बार बॉलीवुड एक्ट्रेस एवलिन शर्मा को उनकी बेटी कहा जाता है, लेकिन एक्ट्रेस एवलिन उनकी बेटी नहीं है। दोनों का नाम एक समान होने से कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है। एक दूजे के लिए फिल्म में माधवी साइड रोल में दिखाई दी थी, लेकिन उनके रोल को सभी ने काफी पसंद किया था। माधवी, मुझे शक्ति दो, मिसाल, लोहा, सत्यमेव जयते, प्यार का मंदिर, स्वर्ग, जख्म, हार जीत सहित कई फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि 1994 में आई फिल्म खुदाई में माधवी आखिरी बार दिखी थी। 300 से ज्यादा फिल्में करने वाली माधवी अब बॉलीवुड से दूर अमेरिका में रह रही है। माधवी अब हस्बैंड और बेटियों के साथ न्यू जर्सी में रहती है। एक्ट्रेस के पति का नाम राल्फ शर्मा है। एक्ट्रेस के हस्बैंड न्यू जर्सी में ही फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करते हैं। शादी के बाद माधवी अपने पति के साथ न्यू जर्सी शिफ्ट हो गई। उनकी बेटियों के नाम प्रिसिल्ला, टिफनी और एवलिन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारी अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।